Thank you.
किसके लिए? मैंने बहन वास्ते ऐसे कुर्सी ला मैंने देने वास्ते कुर्सी मेरे से मैसेज मेरे से भेजे यार कुर्सी एक चेयर तो लगवा लू एक चेयर तो लगवा लू एक चेयर तो लगवा लू कि नहीं सुंदर साजी जयकारे को अपना जोर से कर दीजिए।
यशोराज महारानी की, सर्व सुंदर सात की। मंगल धाम कालिम्पोंग से पधारे परम पूजनीय परम वंदनीय महाराज श्री श्री मोहन प्रियाचार्य जी, संत श्री विदर्भ सागर जी महाराज एवं संत श्री तिलक रत्न जी महाराज एवं श्री प्राणनाथ प्रणामी विद्यालय में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आप सभी को कोटानुकोट प्रणाम। हम सभी के मध्य श्री अशोक प्रणामी जी भी उपस्थित हैं, जो वर्तमान समय में पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के सचिव एवं यहाँ प्रणामी समाज के अत्यधिक सम्माननीय सुंदर साहब जी हैं। आप सभी के चरणों में पुनः एक बार कोटानुकोट प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जून से 5 जून तक श्री प्रणामी पंचायत एवं श्री छत्रसाल नवयुवक सभा के तत्वावधान में एक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में बच्चों में धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक प्रयास किया गया। इसके साथ ही बच्चों में छिपी हुई अन्य प्रतिभाओं को भी निखारने का एक प्रयास किया गया। इसी संदर्भ में बच्चों को धर्म की शिक्षा देने के लिए कालिम्पोंग से संत महाराज जी श्री लीलारस जी सागर जी एवं संत महाराज जी श्री तिलक रत्न जी महाराज जी ने आकर बच्चों में उचित मार्गदर्शन देते हुए बहुत ही रोचक एवं बहुत ही सरल भाव से उन्हें धर्म की शिक्षा दी और इसके साथ ही बच्चों में अन्य प्रतिभाओं को निकालने के लिए उन्हें विभिन्न तरह के एक्टिविटी सिखाई गई, जिसमें म्यूजिक, डांस, एक्टिंग और साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट का भी उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान दिया गया और उनसे कुछ सामान बनवाया गया। जैसा कि आप हमारे इधर बाई ओर देख सकते हैं, गैलरी में बच्चों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे कुछ कलाकृतियां रखी गई हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात आप उन्हें देखें और उनकी कलात्मकता को सराहें, उन्हें प्रोत्साहन दें। आइए हम बताएं आपको कि इस 4 दिनों के दरमियान हमारे बच्चों ने कुछ प्रस्तुतियां आप सभी के लिए तैयार की हैं। उन प्रस्तुतियों में गायन भी है, नृत्य भी है और अभिनय भी है। तो इस कड़ी में सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम। माननीय प्रधान जी, आप सभी को संबोधित करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी बच्चों की आवाज मंदिर तक पहुंचनी चाहिए। 4 दिन अपन ने खुद सीखा है प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। आदरणीय महाराज श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, श्री लीला नसीब महाराज, श्री तिलक रत्न जी महाराज और श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी के वाइस चेयरमैन श्री अशोक जी, परम श्रद्धे आदरणीय सुंदर सरा जी, 23 वर्षों के बाद जयपुर के अंदर बच्चों का धार्मिक शिविर लगा। सुंदर साहब के अंदर जो उत्साह था, वो उत्साह
इस वर्ष देखने लायक था। हमने एक मीटिंग इस कार्यक्रम के लिए जब बुलाई उसमें 55 महिलाएं और 20 पुरुष उस कार्यक्रम को करने के लिए इतने उत्साहित थे कि जिसका रूप आज आप देख रहे हैं। महाराष्ट्री मैं आपको बताना चाहूंगा कि धार्मिक शिविर हमने इस वर्ष जो हमारा एक ध्येय रहा मुख्य बच्चे कुछ सीखें या ना सीखें, क्योंकि टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये अब समाज में दुनिया पैदा कर रहा है। हमारा संकल्प ये रहा कि बच्चे किसी भी तरह से मंदिर प्रांगण में रहे, बच्चों के इंटरेस्ट के जो बच्चों का आज इंटरेस्ट है जिन गेम्स के अंदर जो रुचि खाने पीने में जो इनकी रुचि है उन रुचि वाली आइटमों का हमने मंदिर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया। लगभग इस कैंप के अंदर 140 बच्चों ने महाराष्ट्री पार्टिसिपेट किया और 100 बच्चे रोजाना रात को मंदिर जिन्होंने स्टे किया वो 100 बच्चे रहे। जब हमने इस कैंप को शुरू किया था उस समय मात्र केवल 60 बच्चे जिन्होंने मंदिर में रुकने की हामी करी थी, लेकिन पहले दिन ही कार्यक्रम जब पहला दिन पूरा हुआ उस दिन 40 बच्चे और रुक गए, जिसकी व्यवस्था हमारे लिए एक साथ क्योंकि हमने 60 की व्यवस्था थी एकदम 100 की व्यवस्था करनी पड़ी। तो बच्चों का जो उत्साह है इस धार्मिक शिविर में हमें यह उत्साह भी देखने को मिला। पंचायत हर वर्ष कोशिश करेगी इसी तरह से कैंप लगाने की, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो मैं प्रणामी पंचायत की तरफ से श्री प्राणजी तलेजा प्रणामी पंचायत के महासचिव हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्री का आप स्वागत करें। प्रणामी विश्व परिषद के जो पूरा कार्यक्रम जो लाइव होता है उसके संयोजक प्रकाश जी भी हमारे बीच में आज उपस्थित है, आपका भी प्रणामी पंचायत की ओर से स्वागत है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। कार्यक्रम के संयोजक सत्येंद्र कालड़ा जी से भी मेरा निवेदन कि आप भी महाराष्ट्री का स्वागत करें। आलोक जी छत्रसाल लोकसभा के प्रधान, आपसे निवेदन कि आप लीला रसी का स्वागत करें। कार्यक्रम की संयोजिका ऋतिका मदान से भी निवेदन कि आप तिलक रतन जी का स्वागत करें। प्रणामी पंचायत के सम्मानीय सदस्य श्री कोमल जी से निवेदन कि आप प्रकाश जी का विश्व हिंदू परिषद का प्रणामी परिषद से आए हैं, आप उनका स्वागत करें। प्राण जी से दोबारा निवेदन मेरा कि आप हमारे भाई साहब, मैं तो हमेशा भाई साहब ही कहता हूं, अशोक जी का आप प्रणामी समाज की ओर से पहली बार आप जब पद्मावतीपुरी धाम के वाइस चेयरमैन बने उसके बाद ये पहला कार्यक्रम होगा जिसमें आप उपस्थित हुए। मैं प्राण जी से निवेदन करूंगा कि आप मेरा निवेदन प्रधान जी से आप भी इस श्रृंखला में आए और स्वागत करें प्रिय अशोक जी का, और प्रधान जी से निवेदन कि आप प्रधान जी आप अशोक जी से निवेदन कि आप पूज्य महाराष्ट्री का अभिवादन करें। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराष्ट्री। स्वागत समारोह के पश्चात मैं चाहत से प्रार्थना करूंगी कि वे स्टेज पर आए और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्य से आह्वान करें।
और एक मिनट अभिवादन की कड़ी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रह गए। मेरा निवेदन सत्येंद्र जी से, क्या प्रिय बाहेदी जी का अभिवादन करें यहाँ बधाने पर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। Yeah।
प्रारंभ करते हैं एक नृत्य से। सुंदर साथी, 3 या 4 दिन का समय बहुत कम समय होता है किसी भी प्रस्तुति को तैयार करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चों के उत्साह और पूजा के सहयोग ने हमारे इस प्रस्तुति को आकर्षक और आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सुंदर साथी, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज तालियों के साथ बच्चों का स्वागत करें और अपना आशीर्वाद दें। इस नृत्य को तैयार किया है पूजा ने और इस नृत्य में भाग लेने वाली बालिकाएं हैं पूर्वा, मानसी, भव्या, प्रियांशी, रिया, जिया और नेहा।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बच्चों की इस प्रस्तुति से प्रसन्न होकर हमारे प्रधान श्री विजय जलवा जी ने 500 रुपए के आशीर्वाद के रूप में प्रदान किए। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। माइक वाले आ जाए, माइक की व्यवस्था की जाए। अगली प्रस्तुति हमारे परम धाम के फूल बाग की फुलवारी, छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक भजन है। इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही कम समय में, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, 3 या 4 दिन का समय बहुत ही कम समय होता है किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन हमारे सभी बच्चों ने बहुत बहुत ही ज्यादा उत्साह दिखाया। अब आपके सामने शिवानी जी ने बच्चों को एक भजन सिखाया है, तो मैं आग्रह करूंगी शिवानी जी अपनी फूलबाग की फुलवारी को लेकर आए। मैं तब तक बच्चों के नाम लेना चाहूंगी। हृदय, दिव्यांश, काव्या, निशिता, अक्षरा, माहिरा, अध्ययन, रिद्धि, सागर, मेधावी और अर्पिता। शिवानी जी आप भी साथ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राज राजकाल की जय। राज क्षमा राज क्षमा राज क्षमा श्याम क्षमा सुंदर स्वरूप श्री राज क्षमा श्याम श्याम सुंदर सर।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगली प्रस्तुति है श्री बीतक साहेब के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तरी की। इसे तैयार करने में श्रीमती अंशु भूरिया जी ने अपना योगदान दिया है और नन्हे नन्हे बच्चों को श्री बीतक साहेब के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों को सिखाया है। मैं श्रीमती अंशु जी से आग्रह करूंगी कि वो अपनी टीम को लेकर आए। हमारी ये भी एक कुंज वन के हैं। कुंज वन से निकली हुई बेटी, उसके छोटे छोटे कण हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चे हैं मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, इस दीपक प्रश्नोत्तरी को तैयार करने में श्रीमती अंशु धुड़िया जी का साथ दिया है श्रीमती इंदु सेतिया जी ने। बच्चों के नाम हैं सुजल, दक्ष, समृद्धि, नैतिक, निर्मय, सनल, आना, भावी, आन्या अग्रवाल, आन्या अरोड़ा, रिद्धिमा, औरा कटारिया, शौर्य और मानसी। मेरे को जाना पड़ेगा। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए थोड़ा जयकारे में सहयोग दें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। चित्रसाल महाराज की जय। धन्यवाद। बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न तैयार कराए हैं भीतर के माध्यम से, तो वही मैं पूछूंगी इनसे और ये आपको जवाब देंगे। हम कोई भी कार्य करने से पहले किन को याद करते हैं? यस अनम। सतगुरु स्वरूप श्री राजीव राज। आप याद करिए, उनका आवाज दीजिए। सतगुरु बंदे सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ भारत मंगल कर्म श्री मेरे चंद्र जी हाँ श्री प्रणाम नाम जरूर पति श्री देव मुला तेज कुमल शामायुगल पल करूं प्रणाम। सच्चिदानंद स्वरूप क्या है? यस मानसी यू कैन। सच्चिदानंद स्वरूप तीन शब्दों के मेल से बना है, सच, चित और आनंद। तो सच का अर्थ, सत का अर्थ है जो जो जिनका अंत नहीं है कोई, और जिनका सदोपद है, और सत और आनंद। चित का अर्थ है जो चेतन है, और आनंद का अर्थ है जो आनंद ही आनंद, जो आनंद ही आनंद की लीला करते हैं। तो वो है सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान किस संप्रदाय से हो सकती है? नैतिक निजानंद संप्रदाय।
और ये संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ क्यों है? हमारे संसार में कुल 13 प्रकार के धर्म हैं, परंतु कोई भी धर्म हमें मुक्ति का मार्ग नहीं बताता। केवल हमारा निजानंद संप्रदाय ही हमें आवागमन से मुक्ति तथा हमें शर अक्षर से परे सुरक्षा चीज का ज्ञान देता है। निजानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नैतिक, आप बताइए निजानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सतगुरु श्री देवचंद महाराज। हमारा गोत्र क्या है? निर्णय। हमारा गोत्र चिदानंद है। राजी महाराज हमें इस ब्रह्मांड में क्यों लाए हैं? अपना इश्क और सहेबी पहचान, अपना अपनी अपने इश्क और सहेबी की पहचान कराते। श्री देवचंद जी ने किस उम्र में परमात्मा की खोज चालू की? जानकी 11 साल की उम्र। देवचंद जी के दिल में कौन से 3 प्रश्न आए जिनकी वजह से वो परमात्मा की खोज करने निकले? आन्या, देवचंद जी के मन में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भरदार कौन है? श्री देवचंद जी को रांची के पहले दर्शन कब और किस देश में हुए? आन्या, आन्या सुंदरता जी अलग अलग आन्या जवाब देंगे। जब श्री राजी जब श्री देवचंद्र जी महाराज राजी को ढूंढने अकेले ही कच्छ देश में निकल गए, उस समय रात को रेगिस्तान में मार पटक जाने पर राजी महाराज के दर्शन देवचंद्र जी को सिपाही के वेश में हुए और उन्होंने उन्हें बारातियों तक पहुंचाया। इस दर्शन से हमें क्या सीख मिलती है? अन्यम, इस दर्शन से हमें ये सीख मिलती है that Raji is always always with us। श्री देवचंद जी को कितनी बार दर्शन हुए, विस्तार से बताएं। श्री देवचंद जी को राजी के दर्शन 3 बार हुए। पहली बार सिपाही के रूप में, दूसरी बार श्री कृष्ण ब्रिज वाले स्वरूप, तीसरा श्याम जी के मंदिर में श्री राजी महाराज के दर्शन हुए। कांजी भट्ट जी, जिनसे श्री देवचंद जी महाराज ने 14 वर्ष तक भागवत सुनी, उनसे श्री महाराज ठाकुर जी ने और गोवर्धन ठाकुर जी ने क्या प्रश्न पूछे? शौर्य, श्री महाराज जी ने कांजी भट्ट से पूछा, इस संसार में कितने लोग हैं, कितने तत्व हैं, कितने प्रलय हैं और कितने गुण हैं? इस प्रश्न का कांजी भट्ट जी के पास कोई जवाब नहीं था। और महाप्रलय के बाद बाल ब्रह्म का कहाँ स्थान है? इस प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं था। कितने लोग हैं, कितने प्रलय हैं, उनका जवाब उन्होंने दे दिया, बट महाप्रलय के बाद पार ब्रह्म का कहाँ स्थान होगा, इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, अभी आगे बताएंगे। उनके प्रश्नों के भट्ट जी ने क्या जवाब दिए? दक्ष, कांजी भट्ट जी ने जवाब दिया 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, 14 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल, ये नीचे के 7 लोक हैं। 8वें लोक में हम रहते हैं जिसे मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक के ऊपर भूलोक, भूलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक है। ये ऊपर के 6 लोक हैं। 4 प्रलय हैं। पहला प्रलय नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। उनके किस प्रश्न का जवाब भट्टी के पास नहीं था?
जब महाप्रलय हुई परमात्मा शिव सागर में स्थित वट के पेड़ पर अंगूठे के आकार के होते हो। महाप्रलय के बाद पारगमन का कहाँ स्थान है और 14 लोग के आगे का ज्ञान न होने के कारण गांधी भाई को शर्मिंदगी हुई। भैरव ठक्कर जी कौन थे, किस जाति के थे? सुजल भैरव ठक्कर जी आवासी बंदर, भैरव ठक्कर जी आवासी बंदर रहने वाले बड़े धर्मांति के लोहारा जाति के थे। वह अपनी जाति के लोगों को वन से छुड़वाने के लिए 70,000 लॉरी बैरक का कन्या डाकू को दी। राणा जी ने कितने दिन आत्म जागृति का ज्ञान भैरव ठक्कर जी को सुनाया? सनन 2 से 3 महीने। पर उनकी जागृति क्यों नहीं हो पाई और फिर कैसे जागृति हुई उनकी? उनकी जागृति इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वह तंबाकू का सेवन करते थे, मांस मछली खाते थे, शराब पीते थे और चोरी का काम करते थे, इसलिए उनकी जागृति। चोरी का काम नहीं करते थे, चोरी का उन्होंने 4 परहेज में उन्होंने चोरी नहीं बताया, वो नहीं करते थे। फिर उनकी जागृति कैसे हुई? उनकी जागृति ये सब ये 4 चीजें छोड़ने पे हुई और उन्हें 3 दिन के अंदर राजी महाराज की प्राप्ति हुई। वेरी गुड। लाल दास जी का असल नाम क्या है? दिल में लाल दास जी का असल नाम श्री लक्ष्मण दास सेठ है। लाल दास जी पर क्या जाहिरी कहर घटित हुआ और उसमें उनको क्या बातूनी मेहर दिखी? लालदास जी पर जाहिरी के बेटे रूप में उनके सारे 99 जहाज डूब गए और कर्जदार सर बराबर खड़े हो गए। तो लालदास जी ने धनी जी की आज्ञा को समझा और सबसे प्रथम अपने सारे कर्ज चुकाए और फिर प्राणनाथ जी के चरणों में चले गए और अपना जीवन धर्म को समर्पित कर दिया। जब मैं साल जी थी आतंक का नाम बताया नैतिक सागुंडल। जब मैं साल जी को अमिरल मोमिन की उपाधि क्यों मिली? सुजल साल जी ने प्राणनाथ जी व बाईजुबाज मोहन जी के युगल स्वरूप जानकर युगल स्वरूप उनकी आरती उतारी, इसलिए उन्हें अमिरल मोमिन की उपाधि मिली। छत्रसाल जी ने बुंदेलों को प्राणनाथ जी का क्या परिचय दिया? समृद्धि। और पहले आप बताएं फिर समृद्धि कंटिन्यू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब बुंदेलों ने पूछा कि प्राणनाथ जी कौन है और ये छत्रसाल जी उनके लिए अपनी पाप क्यों बिछा रहे हैं और उनका झूठा प्रसाद क्यों खा रहे हैं, तब छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को परिचय दिया और कहा, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद खंड हमारे, ये पूर्ण पार ब्रह्म अक्षत ये हमारे घर पधारे, ईश्वर अक्षत से परे है, ये हमें सदा सुख और अखंड अखंड आनंद की प्राप्ति देते हैं। इनका और मेरा रिश्ता कोई गुरु शिष्य का नहीं है क्योंकि वह रिश्ता तो पंत का होता है। इनका और मेरा रिश्ता नहीं भगवान और भक्त का है क्योंकि वह रिश्ता तो मन पंत और धर्म का होता है। मैं इनकी ये मेरे आत्म की धनी है और मैं इनकी अंगना नार हूँ। शिव संघादि आदि के इंच शेष न पावे पार, शिव जी ब्रह्मा जी के चारों पुत्र संघादि आदि नारायण जो शेष शाही नाग पर विराजे हैं,
वो भी इनको देखने की इच्छा रखते हैं अपन में, पार ब्रह्म के दर्शन नहीं हो पाते। प्रणाम। छत्रसाल जी ने इस परी से इनका वर्णन किया। अगम जान के निगम काय खोज खोज पचिहारे, श्री ब्रह्मा जी ने 14 लोक के पार जाना चाहा। वह अगम अगम कहकर आगे गए तो सही, परंतु घबराकर ना इति यहाँ कुछ नहीं है, और निगम निगम कहकर वापस आ गए। उन्हें भी इस स्वरूप की खोज नहीं हुई। जान के निर्धनी अंगनाथ ने सो घर हाय हमारे, मेरे प्राण के प्रियतम जो आज तक कभी भी इस काल माया के धमाल में नहीं आए हैं, आज वो अपनी आत्माओं को लेने के लिए उनके जैसा तन धारण करके इस धमाल में आए हैं। मेरे अंदर की आत्म शाकुंडल को पहचान कर मेरे आत्म के घर मेरे घर पर आए। प्रणाम। आगे श्री छत्रसाल जी कहते हैं, श्री भगवानी सत्रन सुधा लेकर संत पधारे, मेरे दुल्हा श्री प्राणनाथ जी ठकुरानी जी को यानी श्री श्यामा जी स्वरूप भाई जीराज जी को अपने साथ लेकर मेरे घर पधारे हैं। वे साथ में जो सखियां जाग चुकी हैं यानी सुंदर साज जी को भी अपने साथ लाए हैं। त्रिगुण पास के पंड परिते सो पंडा निर्वारे, श्री छत्रसाल जी कहते हैं, जो त्रिदेव ने यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने माया में जीवों को बसाए रखने के लिए कर्म कांड की जो जाल बनाए हैं और उनका पालन करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो भय बनाए हैं, श्री प्राणनाथ जी हमें उन सब बंधनों से छुड़वाते हैं और हमें अखंड मुक्ति की राह दिखाते हैं। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुझे न आवे, श्री छत्रसाल जी कहते हैं कि ऐसे धाम भूमि पर उनकी अंगना बारी बारी जाती है, वह समर्पित होती है और उनकी शोभा शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सिंहासन आसन बैठारो श्री छत्रसाल बृंदावे, वह उन्हें सिंहासन पर पधराते हैं और उनके गुण गाते हुए थकते नहीं हैं। और इसके आगे वर्णन देते हुए उन्होंने कहा, श्री ठकुरानी जी सब साथ ले पथारी मेरे घर, श्री ठकुरानी जी साथ ले पथारी मेरे घर, धनी 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 बिना धनी बिना तुम्हें और दिखे तो नहीं मिसल मातृ, धनी बिना तुम्हें और दिखे सो नहीं मिसल मातृ, कि आपको धनी के बिना अगर आपकी कोई और पहचान करे तो वो ब्रह्म सृष्टि के लाने के योग्य ही नहीं है। सेवा कितने प्रकार की होती है, नैतिक नैतिक निर्मय आप बताएं। सेवा चार प्रकार की होती है, यह चार प्रकार है तन मन धन और जीव से। सुंदर साहब जी, हमने ये दीपक के माध्यम से ये जाना कि धनी को अगर हमें इस ब्रह्मांड में पाना है, हमारे राज्य के सुखों को पाना है, तो हमें तन मन धन और जीव से राज्य के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है, जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने किया। और उन्होंने एही टीका एही फावड़ो एही न्यौछावर आए श्री छत्रसाल प्राणनाथ के चरण पर, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता भली भली जाए। श्री छत्रसाल जी महाराज ने उनका जब टीका किया तो उन्होंने अपनी पाव उनके चरणों में बिछा दी पावड़ों के रूप में, और अपना सर अपना तन मन धन सब कुछ उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। तो असल टीका राजी महाराज का और जो असल न्यौछावर आरती से पहले हम राजी महाराज के चरणों में रखते हैं वो क्या है सुंदर साहब जी? हमारी अपनी मैं खुदी की कुर्बानी, जो मैं खुदी हमारे और धनी के बीच में आरोपट है। जब ये मैं खुदी हमारी खत्म हो जाएगी तो राजी और हमारे बीच में कोई आरोपट नहीं रहेगा। और जब छत्रसाल जी इस प्रकार से उनके चरणों में कुर्बान हुए बारी बारी गए तो हमारे धनी ने उनको क्या बख्शीश दी। श्री विजयाभिमन बुद्ध जी ब्रह्म श्रेष्ठ सरताज
श्री विजया विनंद बुद्ध जी ब्रह्म श्रेष्ठ सरताज हाथ हुकम चक्र साल को लीजो साथ को राज सब सुंदर साथ को उन्होंने आगे निजानंद संप्रदाय से जागृत करने का कार्य महाराज छत्रसाल जी के चरणों में सौंपा। हमें भी अगर हम चाहते हैं कि हम परम धाम के वो सुख जो अष्ट पहर 64 घड़ी राजी महाराज के हम परम धाम में लेते थे और वही सुख अगर हम इस ब्रह्मांड में लेना चाहते हैं तो सुंदर साथ जी हमें भी अपने हाथी के कदमों पे कदम रख के चलना है। हमें भी जैसे सब मोमिनों ने बीतक साहब में हमने देखा कि कुर्बानी करी राजी महाराज के चरणों पे समर्पित हुए हमें भी उसी भांति से इस राह पर चलना है। तो इति ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ होए सत काम यही बैठे बैठे हम गली के सुखों को ले सकते हैं। प्रणाम जी सुनीता जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की आदरणीय सुंदर साहब जी पंच दिवसीय कार्यक्रम में महाराज श्री 108 श्री मोहन के आचार्य जी का आज ही आना हुआ। मैं इससे पहले कि आपके चरण कमलों में निवेदन करूं कि आप 5 मिनट बच्चों को अपना आशीर्वाद दें एक सूचना कल सुबह के लिए और उससे पहले महाराज श्री एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे समाज के बच्चों के अलावा हमारे इस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बालकों ने भी हमारे धर्म में रुचि ली। लगभग 15 बच्चे जो हमारे धर्म के नहीं थे उन्होंने भी इस धार्मिक कैंप में पार्टिसिपेट किया। उनका कार्यक्रम कल सुबह मंदिर में होगा। सुंदर साहब जी और बच्चे सबसे पहले मेरा सवाल बच्चों से होगा कि कल सुबह 7:30 बजे क्या होने वाला है मालूम है किसी को नहीं। सुंदर साहब जी कल सुबह 7:30 बजे यहाँ से राज्य की सवारी मंदिर में बच्चों के साथ हम बहुत जोश के साथ मंदिर पर आएंगे और उसके आगे का कार्यक्रम बच्चों का मंदिर में होगा। अभी 2-3 प्रस्तुतियां शेष है बच्चों की। 500 रुपये अन्नी से किया 1100 रुपये श्री वीरेंद्र कुमार जी ने बच्चों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री के चरण कमलों को मेरा निवेदन 5 मिनट आप बच्चों को अपना आशीर्वाद कर दो। समय भाव के कारण हमारे प्रिय अशोक जी जल्दी चले गए। उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम को जितना भी देखा बहुत एंजॉय किया। उन्होंने अपनी तरफ से इस पूरे प्रोग्राम के लिए 21 वर्ष जो जन्म हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। श्री प्रणामी पंचायत जयपुर के तत्वावधान में ये जो बच्चों का शिविर आयोजित हो रहा है वास्तव में एक संस्कार देने का कार्यक्रम है क्योंकि माता पिता और अभिभावक ही सुंदर संस्कार दे सकते हैं। इसके लिए वर्षों पहले यहाँ पर शिविर का आयोजन होता था तो 2 बार मैं यहाँ पर आया हूँ करनाल में भी और जयपुर में भी शिविर होता था और मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला उन दिनों में। वे बच्चे आज जहाँ कहीं भी मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने जो शिविर में पढ़ाया था आज भी हमें याद है। तो आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ बहुत सारे बीतकों के प्रश्न का आपने हल भी किया उत्तर दिया यही जीवन का संस्कार है यही धर्म का संस्कार है कि जीवन में हम धार्मिक व्यक्ति बन सके। कर्म क्षेत्र में धन कमाने में नाम कमाने में तो कोई भी आगे बढ़ सकता है परंतु धर्म का संस्कार लेकर के हम जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति बने समाज सेवी व्यक्ति बने
और संस्कारी व्यक्ति बने ये बहुत जरूरी है। आज के हमारे सभी बच्चे शिक्षित हैं परंतु उनमें संस्कार नहीं है। संस्कार के अभाव में शिक्षित बच्चे भी कभी कभी माता पिता का आदेश पालन नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते हैं। शिक्षा तो है उनमें पर संस्कार नहीं है। जब हम संस्कार शिक्षा देते हैं तो कैसे बड़ों को आदर करना, छोटों से प्रेम करना और कैसे अपने बुजुर्गों को सम्मान देना, ये संस्कार से ही हमें ज्ञान मिलता है। पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, ये संस्कार गुरुजनों से जब हम ग्रहण करते हैं, ऐसे शिविर में आते हैं तभी हमें ये सब सीखने का मौका मिलता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हम लोग कालीपोक में प्रतिवर्ष 1 जनवरी से लेकर के हम लोग 7 दिन का शिविर रखते हैं, प्रतिवर्ष रखते हैं। 200 से 250 बच्चे वहाँ पर आते हैं, सिक्किम से, बंगाल से, नेपाल से और आसाम से बच्चे आते हैं। हम लोग प्रतिवर्ष शिविर रखते हैं, करीब करीब 7 शिक्षकों को पढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ पर उनको नियुक्त करते हैं और उस पढ़ाने में हमारे नीलारस सागर जी और तिलक रतन जी भी सम्मिलित होते हैं। हम लोग फिर 3-4 ग्रुप बना देते हैं क्योंकि जो एक शिविर अटेंड कर चुके हैं दूसरे साल उनको और उच्च शिक्षा देते हैं। पहली बार शिविर में आ रहे हैं तो उनको प्राथमिक शिक्षा देते हैं, दूसरी बार आए तो थोड़ी सेकेंडरी शिक्षा उनको हम लोग देते हैं। इस प्रकार से हमें प्रतिवर्ष प्रणामी पंचायत भी इस प्रकार से यहाँ पर शिविर का आयोजन करे तो बच्चों को और नई नई बातें सीखने का और जीवन में धर्मनिष्ठ बनने का, धर्म में निपुण बनने का उनको मौका मिलेगा। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वही राष्ट्र की सेवा कर सकता है, जो व्यक्ति धार्मिक होता है